कैसे हैं आप लोग दोस्तों, सलाम और नमस्कार। मैं नीरज अग्रवाल, सीईओ जीएल यूनिवर्सिटी, आपका दोस्त, आपके साथ फिर से एक बार वीडियो नोट के माध्यम से आपसे जुड़ता हूं। एक शेर से शुरुआत करता हूं, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर से कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारे शेर आपकी उम्र में अलग तरीके के कहे सुने जाते हैं। ये शेर है कि पास था नाकामी है सयाद का डर हम सफर। सुनिएगा और समझिएगा, पास था। आज का वीडियो नोट जो है ना, वो इसलिए है कि मैं आपकी चिंता करता हूं, अपनी भी चिंता करता हूं लेकिन आपकी भी चिंता करता हूं, और ये वॉइस नोट और ये वीडियो नोट इसलिए है। पास था नाकामी सयाद का डर हम सफर, वरना मैं और उड़ के आता एक दाने के लिए। आपको एक शेर भी समझा पा, क्योंकि वीडियो नोट की अपनी एक मर्यादा होती है, एक लिमिटेशन होती है कि 2-4-5 मिनट से ज्यादा नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते। बहुत जल्दी अपनी बातों को करने की कोशिश करूंगा। चिंतित रहता हूं, चिंतित इसलिए रहता हूं कि शायद मेरा स्वभाव, मेरा वैल्यू सिस्टम ये कहता है मुझसे। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा, जब मैं उनको असमंजसता में पाता हूं, कंफ्यूजन में पाता हूं, और ये देखता हूं कि वो किसी डिजिटल ब्रांडिंग से, किसी एडवर्टीजमेंट से, किसी और चीज से भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क आ जाता है उनके आगे, क्या लूं क्या ना लूं, कौन से शहर में पढ़ने जाऊं कौन से शहर में पढ़ने ना जाऊं, कौन सी डिग्री लूं कौन सी डिग्री ना लूं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा खूबसूरत है, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कम, वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं दोस्तों। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कुछ भी निर्णय लेने से पहले जरूर 2 लोगों से 3 लोगों से 4 लोगों से बात कीजिएगा। आपको चाहे मथुरा के जीएलए में लेना हो या हिंदुस्तान के दूसरे कोने में किसी भी यूनिवर्सिटी में लेना हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष का या किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहता यहां पर, लेकिन हां, वहां के एलुमनी, वहां के प्रेजेंट स्टूडेंट से जरूर 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 सलाह कीजिएगा। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार हो किसी का, चाहे मेरा या किसी और का, हो सकता है एडवर्टीजमेंट में बड़ी भव्यता दिखती हो, है ना, एडवर्टीजमेंट बनाने में कितना, एक थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट बनाती है, बड़ा शानदार सा एडवर्टीजमेंट बन सकता है। आप सोच के देखिए, मिठाइयों की दुकानों पर कितने शानदार शानदार वो जो शीशे के बाहर जो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, और जब अंदर जाइए तो पता चलता है मक्खी भिनक रही है। महाराज, ये फर्क करना आना चाहिए, क्योंकि मिठाई का डिब्बा हमने गलत ले लिया। मैं पहले भी एक वॉइस नोट की और वीडियो नोट के माध्यम से बता चुका हूं, हम उसको जिस क्षण चाहेंगे फेंक देंगे डस्टबिन में कि ये मिठाई का डिब्बा ठीक नहीं है। हम थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं उस मिठाई, मिठाई से मेरा मतलब नहीं है कोई भी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, गाड़ी तक में डिफेक्ट आ जाता है, हम गाड़ी बदल देते हैं साहब। लेकिन अगर एक बार आपने अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपने करियर का, अपने फ्यूचर का गलत निर्णय ले लिया, मैं शहर में ही रहना चाहता हूं, मैं पास में ही पढ़ना चाहता हूं, या मैं पंजाब जाना चाहता हूं, या मैं साउथ जाना चाहता हूं, इन इल्यूजन्स में, इन कंफ्यूजन्स में ना रह के हमें बड़े ठंडे दिमाग से, आप दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लीजिए, कॉलेज में एडमिशन लीजिए, लेकिन जो 2 या 3 या बड़े फर्क है, सबसे बड़ा फर्क है टीचर का, ट्रेनर का, कोच का, गुरु का। ठीक है, आज गूगलिंग कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें, लेकिन आज भी गुरु को चेंज नहीं किया जा सकता, गुरु कोच मेंटोर की जो भूमिका है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी चीज एक आती है एम्बियंस की, वहां पर एकेडमिक एम्बियंस है या नहीं है, एस्केलेटर्स हैं या नहीं है, 10 मंजिला इमारत है या नहीं है, वो रंगीन इमारत है या नहीं है, ये सब चीजें तो नौकरी करने जब जाओगे या अपना बिजनेस खोलोगे तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन वहां पर सही मायने में एमबीए के लिए, बीबीए के लिए, बीटेक के लिए, फार्मेसी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, डिप्लोमा के लिए सही लर्निंग एनवायरमेंट है या नहीं है, इसको देखना चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि एथिक्स एंड वैल्यूज इनकलकेट किए जाते हैं हम लोगों के लिए। आजकल के जमाने में जो 20 साल के, 18 साल के, 17 साल के बच्चों के लिए एथिक्स वैल्यूज में हंस जाते हैं, व्हाट इज दैट शिट, नो इट्स नॉट अ शिट माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी वेरी वेरी, हम लोग जो भी आज हैं अपनी एथिक्स और वैल्यूज के कारण है, एज सिंपल एज दैट। एक बड़ा चीज है प्लेसमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के सपने और बच्चे के सपने जुड़े होते हैं उस इंस्टीट्यूशन में। हम अक्सर एक गलती और कर जाते हैं, एक गलती ब्लंडर कर जाते हैं, गलती क्या, फीस कम है ज्यादा है, कम फीस वाले क्या ले लेंगे, जहां आप लोग लाख रुपए साल लगा रहे हो और वहां कुछ भी नहीं है, और एक दूसरी यूनिवर्सिटी हो सकता है आपसे 1.5 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए मांग रही है, वहां जीवन है,
वहां एक्सपोजर है, वहां लर्निंग है, वहां फ्यूचर है, वहां करियर है, वहां प्लेसमेंट है, कितनी सारी चीजें हैं। तो क्यों हम जरा सा ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर पाते, आपकी जिंदगी का सवाल है। इसके लिए थोड़ा सा तो समय आपको देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से फिर निर्णय लेना पड़ेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी एस्पायरेंट्स को, आपका जीवन, आपका दिन, आपका फ्यूचर, आपका करियर बहुत मंगलमय हो। मैं एक बार फिर से नीरज अग्रवाल, सीईओ जीएलए यूनिवर्सिटी, आप सबको साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और यह भी चाहता हूं कि आपसे मेरी मुलाकात जूम के माध्यम से या किसी और माध्यम से हो, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में कोई भी बात आती हो, तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।